स्वागत है आपका इंडिया टीवी में। मैं हूं आपके साथ विवेक चांडल्य। मैं हूं आपके साथ गौनिका अरोड़ा। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने यूक्रेन पहुंचकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। बाइडेन यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे और उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। बाइडेन ने यह भी कहा कि यूक्रेन को जल्द ही नए हथियारों की सप्लाई दी जाएगी। हम पुतिन को गलत साबित करके रहेंगे। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर जो बाइडेन पहुंचे हैं, ज़ेलेंस्की उनके साथ खड़े हैं। ज़ेलेंस्की के कंधे पर हाथ रखकर जो बाइडेन वहां पर उनसे बातचीत कर रहे हैं, और ये तस्वीरें आप सीधे इंडिया टीवी पर देख रहे हैं जहां पर जो बाइडेन और ज़ेलेंस्की की ये खास मुलाकात हो रही है। युद्ध के बाद ये पहली बार मौका है कि जो बाइडेन यूक्रेन पहुंचे हैं। आपको बता दें कि 4 दिन के बाद रूस यूक्रेन युद्ध की बरसी होने वाली है। लगभग 1 साल पहले ये युद्ध शुरू हुआ था और अब इसी 4 दिन के पहले यानी कि इस बेहद अहम वक्त में जो बाइडेन कीव पहुंच गए। जब कीव पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति तो पूरे कीव को नो फ्लाइंग जोन बनाया गया था। और इस दरमियान एक और बात आपको बता दें कि अमेरिकी मिसाइल्स को भी एक्टिव रखा गया था किसी भी आपातकाल सिचुएशन से निपटने के लिए, किसी भी इमरजेंसी हालात के लिए। और ये तस्वीरें आप उस वक्त की देख रहे हैं जब कीव में फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप साबुन बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने साबुनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। दूसरे नेताओं से, यूक्रेन के दूसरे नेताओं से और सैन्य अधिकारियों से मिलते हुए जो बाइडेन, आपको बता दें 4 दिन के बाद रूस यूक्रेन युद्ध की बरसी है। लगभग 1 साल का वक्त हो चला है जब रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत हुई थी और यह युद्ध लगातार जारी है। और इस बीच यूक्रेन पहुंचकर जो बाइडेन ने बड़ा ऐलान कर दिया। जो बाइडेन ने कहा कि नए हथियारों की जो खेप है वो जल्द ही यूक्रेन को मुहैया करा दी जाएगी। डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास सीधे चलते हैं। मनीष, इस दौरे का मकसद क्या है और इसके मायने क्या है? देखिए, एक बात बिल्कुल क्लियर समझना होगा कि जो बाइडेन हमेशा इस बात को कहते आए हैं और अब इस बार जब जाने के बाद जो बाइडेन जब कीव पहुंचे तो कीव पहुंचने के बाद यहां पर सबसे बड़ी बात यह थी कि तो मनीष से संपर्क टूट गया है, लेकिन तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जहां पर जो बाइडेन की मुलाकात हो रही है ज़ेलेंस्की से। इसके अलावा तमाम ऑफिशियल्स जो कि यूक्रेन के वहां पर मौजूद हैं उनसे मुलाकात करके जो बाइडेन अब लगातार वहां पर बने हुए हैं। आज अभी कुछ देर पहले जो बाइडेन वहां पर पहुंचे हैं और जो बाइडेन की ये सरप्राइज विजिट है। ऐसे में सरप्राइज विजिट ये इसीलिए भी खास बन जाती है क्योंकि 1 साल पहले जब से यूक्रेन और रूस का युद्ध शुरू हुआ है तब से जो बाइडेन और अमेरिका लगातार इसी पक्ष में है कि यूक्रेन ही सही है। रशिया के खिलाफ लगातार बयान देते आए हैं जो बाइडेन। ऐसे में अब ये दौरा काफी अहम हो जाता है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के लिए। तो बातचीत इस वक्त दोनों नेताओं के बीच में हो रही है, जो बाइडेन और ज़ेलेंस्की दोनों के बीच में इस वक्त ये बायलेटरल टॉक हो रही है। दोनों के बीच में यह बातचीत काफी अहम हो जाती है क्योंकि सिर्फ अब से 4 दिन बाद 1 साल पूरा होने वाला है रशिया और यूक्रेन के बीच में होने वाले युद्ध को लेकर, और अब यह मुलाकात काफी अहम है। ऐसे में सुरक्षा को लेकर भी कीव में पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। नो फ्लाइंग जोन उसे बना दिया गया है ताकि किसी भी तरीके से जो युद्ध हो रहा है, जो मिसाइल्स वहां पर अटैक हो रहे हैं, उसका असर इस विजिट पर ना हो पाए। मनीष हमारे साथ दोबारा जुड़ गए हैं। मनीष, कितनी इंपॉर्टेंट है ये विजिट जो बाइडेन की, खास तौर पर युद्ध को लेकर जिस तरीके से जो बाइडेन के लगातार बयान आते रहे हैं उसको देखकर? देखिए, अभी तक की सबसे बड़ी खबर है क्योंकि अब इस युद्ध को 1 साल होने जा रहा है। 24 तारीख को 1 साल हो जाएगा जब पहली बार इस कीव के ऊपर और आसपास के एरिया, इरपिन, बूचा, खारकीव, दोनेस और लुहांस पर रशियन फोर्सेस ने लगातार यहां पर दबाव बनाया और फिर उसके बाद जो यूक्रेन है उसको पीछे की तरफ करने की कोशिश की। नाटो फोर्सेस और जो बाइडेन अभी तक यूएस से बैठकर या फिर पोलैंड से पहुंचकर यूक्रेन को मदद कर रहे थे अपने हथियारों के जरिए, अपने आर्म्स एमिनेशन वेपन के जरिए। जो बाइडेन का बार बार ये कहना कि रशिया और यूक्रेन की इस वॉर में वो यूक्रेन के साथ हैं और यूक्रेन को अपने हथियारों के साथ अपने लॉजिस्टिक प्रोवाइड कर रहे हैं, यहां तक कि जो एक्स यूएस आर्मी या यूएस मरीन के लोग हैं वो वहां पर लड़ रहे हैं, M777 अल्ट्रालाइट होविट्जर जैसी जो गने हैं यूक्रेन में वो यूएस ने दी जिसके वो इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन अब ऐसे में जो बाइडेन का ऑन ग्राउंड आना ये एक बहुत ही बड़ा संकेत है, खासतौर पर नाटो देशों के लिए। आप ये समझ लीजिए, मोटा मोटी तौर पर डिप्लोमेसी के टर्म्स पे नाटो का मतलब यूएस से ही जोड़ा जाता है और यूएस उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, और इसीलिए ये एक बड़ा मैसेज है, मैसेजिंग है। एक तरफ जहां
जो नाटो के कुछ देश हैं वो ये कह रहे हैं कि ये वॉर अब खत्म होनी चाहिए क्योंकि क्राइसिस की तरफ इस समय रशिया, यूक्रेन और यूरोप जा रहा है। यूक्रेन और जो जिस तरीके से वो अपना ऑयल या फिर गैसेस और फ्यूल जो रशिया की तरफ से आ रहा है उनमें आने में देरी हो रही है, उसमें मुश्किलात बढ़ रहे हैं। उसके अलावा जो आर्म्स, एमिनेशन, वेपन्स हैं वो हो रहा है। रशिया का बिल्कुल साफ कहना था कि वो एक बफर जोन क्रिएट करना चाहता है यूक्रेन और रशिया के बीच में ताकि नेटो देशों का इसमें जो एंट्री है वो ना हो सके, और इसीलिए ये एक बड़ा संकेत है। हम आपको ये भी बता दें, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि जो बाइडन जब यहाँ पहुंचे तो जो बाइडन यहाँ पर पहुंचने की जो तस्वीर आप इस समय देख रहे हैं इंडिया टीवी पर जो बाइडन और जेलेंस्की की, तो दरअसल ये तस्वीर भी बहुत ही बड़ी और सांकेतिक तस्वीर है क्योंकि यहाँ तक आने के लिए बड़ा मशक्कत करना पड़ा, बिल्कुल ही प्रोटोकॉल मेंटेन करना पड़ा, किसी को जानकारी नहीं थी। एयरफोर्स वन, उसके अलावा जो फाइटर से रशिया के जो यूएस के, वो जो बाइडन को पूरी तरीके से रास्ता दिखाते हुए वो यूक्रेन पहुंचे। एयर स्पेस उन्होंने चेंज किया, पोलैंड और यूरोपियन कंट्रीज को ही नहीं बल्कि दूसरी बाकी एरियाज में किसी को ये नहीं जानकारी थी कि एयरफोर्स वन आ रहा है जिसमें जो बाइडन खुद बैठे हैं और साथ में उनके जो मेन चेन है वो यहां पर मौजूद है। तो इसीलिए ये यहां तक पहुंचना भी बड़ी मशक्कत का काम था। फाइटर एयरक्राफ्ट जो हमें बताया गया करीबन 12 से 15 जो फाइटर एयरक्राफ्ट है, उसके बाद कॉम्बैट एयर पेट्रोल किया गया, नो एयरमैन, नो टू एयरमैन कहा गया, नोटैम एयर स्पेस उसको इश्यू किया गया, और फिर उसके बाद जो बाइडन की ये जो पूरी जो यहां तक पहुंचने की, यूक्रेन पहुंचने की जो पूरी कहानी है यानी जो पूरा जो जर्नी है वो हो पाया। ये तस्वीर सांकेतिक तौर पर जहां पे यूक्रेन को और सशक्त बनाता है, रशिया यूक्रेन वॉर के एक दूसरे पड़ाव यानी फेज 3 की तरफ जाता है। फेज 1 में दोनों देश आपस में बहुत ज्यादा डोनेट्स और लुहान। मनीष, सवाल इस बात का है कि बाइडन पोलैंड जा रहे थे, पहुंच गए यूक्रेन, और अचानक यूक्रेन जाने के मायने क्या होने चाहिए? क्या यह होना, यह समझा जाए कि अब युद्ध की जो तीव्रता है और आक्रामकता है वो और तेज होगी? देखिए विवेक, पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि डिप्लोमेसी में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो बाइडन सीधा पोलैंड जा रहे थे और पोलैंड जाते जाते वो यूक्रेन पहुंच गए। ये पहले से ही बिल्कुल तय था कि जो बाइडन पोलैंड नहीं बल्कि यूक्रेन जाएंगे और वोल्दिमीर ज़ेलेंस्की से वो मुलाकात करेंगे। उसकी वजह बिल्कुल क्लियर है क्योंकि ये मैसेजिंग देना है, क्योंकि ज़ेलेंस्की बार बार अलग अलग फोरम से ये बोलते हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप साबुन बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने साबुनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। आए हैं कि यूएस को यहां आना होगा, अगर कोई भी कैजुअल्टी यहां पर यूक्रेन में होती है तो उसकी पूरी जिम्मेवारी जो बाइडन की होगी, यूएस की होगी, नाटो फोर्सेस की होगी। तो इसीलिए जो इस समय यूएस यानी व्हाइट हाउस से जो बाइडन लगातार बोल रहे थे, उनके जो बाकी जो मिनिस्टर्स हैं यानी डिफेंस मिनिस्टर्स, उसके अलावा जो उनके इंटरनल मिनिस्टर हैं वो जो बात कर रहे थे, अब वो मैसेजिंग के तौर पर जो बाइडन खुद इस समय प्रेसिडेंट हाउस कीव में मौजूद हैं। हम आपको ये भी बता दें, ऐसा नहीं है कि रशिया के मिसाइल की रेंज से बाहर है, लेकिन सांकेतिक तौर पर ये मैसेजिंग बिल्कुल क्लियर है जिससे पता लगता है कि इस रशिया यूक्रेन वॉर के एक साल में अमेरिका अभी भी जो ज़ेलेंस्की के साथ खड़ा हुआ है, यानी जो बाइडन और जो ज़ेलेंस्की की ये बॉन्डिंग है विद जो नाटो फोर्सेस के साथ वो और सशक्त हो रही है। अब आपका दूसरा सवाल था कि ये युद्ध तेज होगा या नहीं, क्योंकि रशिया को अपना बफर जोन क्रिएट करना था और इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से साइकोलॉजिकल वॉरफेयर यानी साइओप्स का इस्तेमाल किया है, और जो हमें बताया गया आपसे कुछ देर बाद जो बाइडन और साथ में ज़ेलेंस्की दोनों एक कंबाइंड प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें ये पूरी जानकारी देंगे। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का आप जिक्र कर रहे हैं वही प्रेस कॉन्फ्रेंस सबसे शुरू भी होने वाली है, दोनों नेताओं के बीच में बैठक खत्म हो गई है और अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।